नमस्कार, मैं लखबीर चहल। चलिए आज बनाते हैं समोसे, पंजाबी समोसे। हम डाल लेते हैं हमारा मैदा, इसमें अजवाइन डालेंगे, थोड़ी अजवाइन ली और अजवाइन को थोड़ा सा हाथ में हम लोग रगड़ लेंगे, रगड़ के ताकि इसके अंदर जो भी ऑयल है वो बस्ट होके फ्लेवरफुल हो जाए हमारा मैदा। इसमें ऑयल डालेंगे हम लोग मोइन करने के लिए, सॉल्ट, और इसको अच्छी तरह मिला लेते हैं। पहले हमें ऑयल को अच्छी तरह मैदे में मिक्स कर लेने का है और मैदा क्रम्बली हो जाएगा। आपको मैं दिखा देता हूँ, जब मैदा ऐसे जुड़ने लग गए मतलब है आपका ऑयल मैदे ने पी लिया है। ये देखिए जुड़ने लग गया है। अभी हम इसमें डालेंगे हमारा पानी, पानी डाल के एक हार्ड डो बनाएंगे। चलिए पानी डाल लेते हैं। पानी आप हिसाब से डालिए, एकदम ज़्यादा मत डालिए, पहले थोड़ा डालिए फिर थोड़ा डालिए, उस हिसाब से आप पानी की मात्राएं शामिल कीजिए आपके मैदे में। अब देखिए मैंने थोड़ा पानी पहले ऐड किया था, अभी मैं थोड़ा और ऐड करूंगा पानी, एकदम से पानी ऐड नहीं करेंगे हम, नहीं तो आपका जो डो बन रहा है वो सॉफ्ट बन जाएगा और फिर आपके समोसे हैं जो वो क्रिस्पी नहीं बनेंगे। अगर आपको बढ़िया समोसे, क्रिस्पी समोसे चाहिए तो आपका डो हार्ड होना चाहिए। हमारा जो डो है एकदम बढ़िया टाइट हो गया है, अच्छी तरह गूंद गया है हम तो आटे का डो हो गया। आप देखिए कितना टाइट है, आप उंगली डाला है ये जल्दी से इम्प्रेशन ऊपर नहीं आ रहा, रुक गया है, तो उस हिसाब से आपको बनाने का है। अभी हम इसको रेस्ट के लिए रख देते हैं कम से कम 5-6 मिनट और तब तक हम अपना मसाला बना लेते हैं। जब तक हमारा समोसे का डो रेस्ट के लिए है तब तक हम लोग मसाला बना लेते हैं। तो चलिए पैन में मैं ऑयल डाल लेता हूँ। ऑयल में हम डालेंगे हमारा जीरा, जीरा डाला, थोड़ा धनिया सीड, इसको भी हम थोड़ा सा मसल के फिर डालेंगे। अभी डालेंगे इसमें हमारी हरी मिर्च, हरी मिर्च भुनी, इसमें डालेंगे हम चॉप जिंजर, अभी डालेंगे हम इसमें मूंगफली। जैसी हमारी मूंगफली भुन जाती है हम डालेंगे इसमें मटर, हरे मटर, हरे मटर को थोड़ा देर भून लेते हैं हम। अभी डालेंगे हमारा मसाला इसमें, नमक, लाल मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर, गरम मसाला और इसको मिक्स कर लेते हैं। तो हमारा मसाला पूरा भुन चुका है, अभी हम डाल रहे हैं इसमें आलू। आलू आप ग्रेट मत कीजिए, इसको हाथों से थोड़ा सा हल्का मैश कर लीजिए और वो आलू डालिए और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं हम लोग। इसको हल्के हाथ से हम लोग मिला देंगे, हमें आलूओं को मैश नहीं करना है, जस्ट मसाले से मिक्स करना है मसाले में बस। अभी डालेंगे हम इसमें हमारा धनिया पत्ता, थोड़ा सा आमचूर है हमारे पास में,
काला नमक, दैट्स इट। मसाले को अच्छी तरह मिला लेते हैं। मिलाने के बाद में हम इसको थोड़ा देर ठंडा कर देंगे। ठंडा करके हमारे समोसों में हम भर्ती करेंगे इसको। चलो मसाला हो गया एकदम बढ़िया से तैयार, अभी इसको हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं। दो रेडी हो गया है, इसको थोड़ा सा मसल लेते हैं हम। और अभी हम इसके पेड़े काटेंगे। तो आपको जो हिसाब से चाहिए छोटे बड़े उस हिसाब से आप पेड़े काट सकते हो। मैं थोड़े से बड़े कर रहा हूँ। तो एक लेते हैं हम इसको, अभी बेलना स्टार्ट करते हैं। इसको बेला, तो हमें गोल नहीं बेलना है, थोड़ा सा लंबा बेलना है। देखिए ऐसे करके लंबा बेलने का, इसको थोड़ा लंबा। लंबा बेल लिया, इसको एक बार उठा लेना ताकि जो श्रिंक हो रहा है आपका डो हो जाएगा। वो हिला लिया, इसके बाद में बीच में हम लोग इसको कट कर लेंगे। हाफ को लेते हम, पानी एक तरफ लगा लेंगे हम लोग, लगा के इसको उंगली रख के फोल्ड करेंगे। आपका कोन बन गया। कोन में हम अभी अपना मसाला भरेंगे। आप ज़्यादा मसाला मत भरिए, कम भरिए जितना भरने का है। आप ज़्यादा भरोगे तो क्या होगा, फटने के चांसेस हैं। उसके बाद में फिर से पानी लगाते हम और इसको जॉइन करेंगे। इधर हाफ जॉइन किया, इधर डाला, फिर इसको हाफ। आपका समोसा रेडी है। अभी ये जैसे छोटा हो गया, अभी हम इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा फिर से बेल लेंगे। इसको पकड़ा, पानी लगाया, टर्न किया, पॉकेट बनी हमारी, मसाला गया इसके अंदर, अच्छी तरह हमने दबाया, पानी लगाया, एक साइड फोल्ड किया, फोल्ड किया, दूसरी साइड में थोड़ा पानी लगाया और फिर इसको फोल्ड किया। अब देख लीजिए बंद है, यहाँ से ऐसे आ रहा है और ऊपर से ऐसे। आपका समोसा रेडी है। तो ऐसे ही हम सारे समोसे कर लेते हैं। अभी बनाएंगे हम डिज़ाइनर समोसा। थोड़ा सा इसको पतला कर लीजिए आप, मतलब जो रेगुलर कर रहे थे आप उससे थोड़ा ज़्यादा आपको पतला करना पड़ेगा आपका डो। इसको अच्छी तरह आपने बेल लिया है, पतला कर लिया है। अब देखिए एकदम पतला हो गया ये। इसके बाद में हमें क्या करना है, इसमें आधा कट कर लिया है हमने, उसके बाद में इसमें चीरे देंगे। देखिए तो बढ़िया चीरे दे देते हैं हम इसमें। और अभी ये चीरे में दूसरे में थोड़ा पानी डालने का, थोड़ा पानी का हाथ लगाया आपने, इसको उठाया और इसमें आपने पलट दिया, चिपक गया ये। अभी इसको उठाएंगे हम, पानी डाला, घुमाया, समोसे का मसाला भरा आपने अच्छी तरह, पानी डाला, फोल्ड किया आधा, इधर पानी डाला, इसको भी आधा फोल्ड किया। देखिए कितना प्यारा समोसा है, इसको भी रख देते हैं। तेल हमारा गर्म हो चुका है। आप तेल ज़्यादा गर्म करने की ज़रूरत नहीं, ये मीडियम टू लो होना चाहिए। तो अभी हम इसको
हमारे समोसे डालते हैं इसमें और इनको स्लो फायर में पकने देते हैं। अगर आप ज़्यादा फायर में पकाओगे तो क्या होगा, आपके समोसे गर्म नहीं रहेंगे और आपका जो ऊपर का क्रस्ट है वो जल्दी से कलर आ जाएगा और कच्चे रह जाएंगे अंदर। चलिए हमने डुबा दिए हैं समोसे हमारे बढ़िया से, समोसे अंदर चले गए हैं। अभी इसको स्लो फायर में पकने देते हैं, जब तक ये पक रहे हैं हम अपने दूसरे समोसे भर लेते हैं। और भरने के बाद में धीरे धीरे हम लोग बैचेस में इसको फ्राई कर लेंगे। हमारे समोसे बढ़िया फ्राई हो गए, आप देख लीजिए। हम थोड़े से जल्दी निकाल रहे हैं इसलिए क्योंकि ये बाहर रखोगे ना तो इसका कुकिंग प्रोसेस फिर भी चलेगा, क्योंकि गर्मा गर्म है, तेल से निकले हुए हैं। बढ़िया समोसे तैयार है, बारिश का समय आप ज़रूर खाइए चाय के साथ और सौंठ चटनी हो, क्या बात है। अगर आपको चाहिए तो आप केचप के साथ भी खा सकते हो। बनाइए घर में, इजी रेसिपी। थैंक यू।